उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का जो तीसरा दिन है, सदन के शुरू होने ते ही यहाँ पर प्रश्नकाल का दौर शुरू हुआ और इस दौरान सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस बीच राज्य की पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने एमके न्यूज से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप जी। आइए उनसे बात करेंगे कि सदन के तीसरे दिन क्या मुद्दे रहे और क्या चर्चा हुई। जी, आपका एमके न्यूज में स्वागत है। सदन के तीसरे दिन जब एक बड़ा खुलासा हुआ सीएजी की रिपोर्ट में कि छह विभागों में काफी अनियमितता पाई गई 3,000 करोड़ से ज्यादा की, इसके बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बनने के बाद करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हमारी सरकार ने अख्तियार की। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हुई, अपराध का नियंत्रण हुआ, भ्रष्टाचार में कमी आई। फिर भी सीएजी रिपोर्ट चूंकि मैंने देखी नहीं है, यदि उसमें कहीं अनियमितता की बात है तो प्रदेश की जनता को निश्चिंत रहना है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी अनियमितता के मसले पर चुप नहीं बैठेंगे, जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसमें अवश्य होगी। राहुल गांधी ने फिर बताया कि वो फिर से एक बार भारत जोड़ो की यात्रा कर रहे हैं और फिर से जो है एनडीए का जो गठबंधन है एनडीए का उसको कमजोर करेंगे, इसके बारे में क्या कहते हैं? श्री राहुल गांधी जी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी को देश में लीड कर रहे हैं और उनकी लीडरशिप में दो लोकसभा के चुनाव भी हुए, 2014 भी हुआ, 2019 भी हुआ। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपना जरूरी अपोजिशन का बहुमत भी नहीं जुटा पाई। अब वो यात्रा करेंगे या आंदोलन करेंगे, इसका कोई बहुत बड़ा फर्क अब उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ता है, चूंकि देश ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को सराहा है, विकास की गति को सराहा है। इसलिए पूरा देश मोदी जी के नाम पर आने वाले 2024 के चुनाव में भी एनडीए को ही जिताएगा, ये लगभग बातें निश्चित हैं। इसलिए राहुल गांधी जी की कोई यात्रा अब देश के लोग पसंद नहीं करते। दिल्ली की जो अतिशी जो मंत्री हैं उन्होंने बताया है कि योगी और मोदी दोनों ही उनके नाम से डरते हैं, केजरीवाल के नाम से डरते हैं, वहाँ के सीएम के नाम से। इस पे क्या कहना है आपका? मोदी दुनिया के ग्लोबल लीडर हैं और वो किसी से नहीं डरते जी, भगवान से डरते हैं, बुराई से डरते हैं। हाँ, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, आरएलडी, सपा, बीएसपी, वो जरूर उनसे डरते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है, सबने देखा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 220 करोड़ निःशुल्क वैक्सीन, 80 करोड़ निःशुल्क राशन, 48 करोड़ जनधन खाते, 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, किसानों को किसान सम्मान निधि की योजना का लाभ, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति मोदी की सरकार में कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। सारे अपोजिट पार्टियों को इस बात की चिंता है, इस बात की दहशत है कि हो सकता है 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टी के लोगों को जो स्थिति 2019 के चुनाव में है उससे भी कम पर ही रहना पड़े। इसलिए मोदी योगी किसी से नहीं डरते, बल्कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को अब डर जरूर लगना चाहिए, क्योंकि शराब घोटाले में उनके नेता जेल में हैं। दिल्ली के लोग केजरीवाल की सरकार में अपने आप को ठगावा महसूस कर रहे हैं और अभी कितना हल्ला हुआ था अध्यादेश के मामले में, किस तरह से केजरीवाल जी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी को मतलब अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो इसलिए केजरीवाल से मोदी योगी को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना वो डरते हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे नरेंद्र कश्यप जी, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि मोदी और योगी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है, जैसा कि दिल्ली की जो मंत्री थी उन्होंने बोला था कि एक बयान दिया है मीडिया चैनल को कि उसमें मोदी जी जो है वो केजरीवाल से डरते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आगे सूत्रों से पता चला कि जो भी अनियमितता पाई गई है 6 विभागों में 3,000 करोड़ से ज़्यादा की, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के द्वारा जो भी कार्रवाई होगी वो सदन में सबके सामने होगी और आगे जो भी कार्रवाई होगी वो सबको देखने को मिलेगी। कैमरामैन रोहित के साथ अंकित श्रीवास्तव, एमके न्यूज़, लखनऊ।